और फिर गिर जाएंगे, अभी हमारी स्माइल भी प्यारी नहीं लगेगी और हम भी प्यारे नहीं लगेंगे, ऐसे ही है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। ओके, अच्छा, ओरल हेल्थ बेसिकली उसमें सिर्फ हमारे दांत नहीं आते, ओरल हेल्थ में सिर्फ दांत नहीं आते, दांत के अंदर और इसके अलावा भी और भी चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपको देखें, ये एक मॉडल है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये हमारे सारे क्या है, टीथ है, ठीक है। इसके अलावा टंग आती है, इसमें हमारे गम्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे टीथ धसे हुए होते हैं, खुदा ने उसको अंदर हमारे टीथ को अंदर उसके अंदर इम्प्लांट किया हुआ होता है। बेसिकली हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी ऑरल हेल्थ मेंटेन नहीं होगी। और ये बाकी जो सारी चीजें हमने बताई है, दांत का पीला पड़ना, गम ब्लीडिंग होना, हम इन सब चीजों का शिकार हो जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, ऐसा ही है। स्ट्रॉन्ग टीथ के लगे हमने स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह होता है, जो कि दांतों के दरमियान में रखकर हम लोग उससे दांतों के अंदर की सफाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो गम लाइन और जो दांतों के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल होता है वो निकल जाता है, उससे भी कोई प्लाक नहीं बनता, उसके अंदर जमा नहीं रहता, आगे डेंटल कैरीज नहीं बनती है, ठीक है। हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए। पहली चीज क्या आपने करनी है, ब्रशिंग। सेकंड फ्लॉसिंग, क्या करनी है, गुड। और क्या कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। वो करें ऐसा बोलना चाहिए आपको, कितने टाइम तक हमें मिनिमम ब्रश करना चाहिए।